again. Let's go. चैनल आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आप सभी आप लोग अच्छे होंगे। देखिए स्कूटी चार्ज में लगी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसका राइड रिव्यू आपको देते हैं, इसकी फीचर्स बताते हैं। तो अभी फिलहाल में जा रहे हैं शुभम को पिकअप करने, साथ ही में हम लोग जाएंगे अभी शुभम और हम। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहो। चाबी लेना तो भूल ही गया, स्कूटी पास गया लेकिन चाबी नहीं लिया, तो अभी जा रहा हूँ चाबी लेने। चाबी मिल गई स्कूटी की। देखो इसका की, देखो ये भी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। इस की के हेल्प से आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्कूटर इलेक्ट्रिक। बहुत सारी फीचर हैं, बताऊंगा आगे। तो अभी शुभम का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितने देर में आएगा। मेरे से बोला इसी जगह पर आने के लिए, डीसफ कॉलोनी पास, आया नहीं अभी तक। लेट में आ रहा है मेरे को वेट करा कर अपने स्कूटी से। देखिए दोनों स्कूटी खड़ी है, रोल वाली स्कूटी से आया है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी से मैं आया हूँ। दोनों अच्छी लग रही है। मेरे से वेट कराकर पता नहीं कितने देर में आया था, उड़ते हुए आया है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी में राइड करने। मैं तो आपको दोनों दिखा ही दिया कि कैसा है, नहीं कि टेस्ट ड्राइव करने लगा। हाँ ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी पे घूमेंगे, आप लोग भी देखिएगा, मैं आपको इसकी फीचर्स भी बताऊंगा अभी थोड़े देरों में। ये देखिए अभी 22-24 चल रहा है अभी, और हम इसकी स्पीड अभी देखते हैं। देखिए आप लोग कितने तेजी से चला, 44 स्पीड में आई भाई। हम लोग दो लोग बैठे हैं इस पे, तब टॉप स्पीड इसकी 44 है वो भी। A few inches later. हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही। तो आप लोग देखा ही होगा 4950 तक स्पीड इसी चली गई इलेक्ट्रिक स्कूटी की होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, मैं सोच रहा हूँ आपको वो भी दिखा दूँ, रेलवे स्टेशन मेरे दुद्धी का। बाकी ब्लॉग के साथ बने रहो। अभी धीरे धीरे स्मूथली जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी से। और ये देखिए मेरे साथ एक चोर है, पता नहीं कौन चोर है। गजब टोपी बाजा, आप लोग पता नहीं शायद जानते भी होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना है, गेस करो कौन चोर है ये। मैं आपको स्कूटी की फीचर बताता हूँ क्या क्या है इसमें, क्या क्या कंपनी ने दिया है। ये देखिए लाइट वाला है और ये इंडिकेटर्स, और ये रिपेयर मीन्स आप जब स्कूटी चलाओगे तो कंसिस्टेंसली ये आपकी स्कूटी उसी स्पीड पर चलेगी जब आप एक बार प्रेस कर दोगे चलते चलते स्कूटी को। और यहाँ मोड दिया है, ये अभी देखिए पहला मोड पर है गाड़ी, ये दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये आप स्पीड जितने स्पीड से आपको जाना होगा जाइएगा। बाकी ये लाइट वाला है और ये आपका हॉर्न और ये डिजिटल मीटर आपकी स्पीड बताएगी। बाकी देखिए होगा आप लोग वहाँ किलोमीटर, इसका डैशबोर्ड मस्त है वैसे। और यहाँ देखिए गियर तीसरे गियर में, अभी हम लोग दूसरे गियर में इसको करेंगे तो टू बताएगा। ये देखिए ये स्पीड सेट कर सकते हैं आप, इससे अधिक नहीं जाएगा, जैसे 40 स्पीड गया था 40 स्पीड नहीं जाएगा, 20-25 होगा। और ये आप
ये दोनों सामने के खूबसूरत दो इंडिकेटर, ये लाइट जलती इसमें, और ये सामने एलईडी डीआरएल दिया हुआ है इसमें, बगल में यहाँ देखिए एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स दिए हुए हैं दोनों साइड में। ये देखिए ये जो गार्ड लगाई है आफ्टर मार्केट है, ये आपको लगवाना पड़ेगा, स्कूटी के साथ नहीं आती है। इस स्कूटी को ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं चलते चलते, बट ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी भी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट में आप चला सकते हो, लोकल एरिया के लिए तो एकदम बेस्ट गाड़ी है। गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटी इंडिया, वहाँ पर जितने हो सकते हो आप स्कूटी ही प्रेफर करो, इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्योंकि बस ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो ये चलती ही रहेगी, पेट्रोल का तो है ही नहीं। वैसे भी इंडिया में 100 रुपये से अधिक पेट्रोल की कॉस्ट क्रॉस कर चुकी है। स्कूटी काफ़ी पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी कंडीशन है, मैं आपको दिखाना चाहा तो मैं सोचा दिखा दूँ। देख लिए होगे आप लोग, पता चल गया होगा खुद ही देखकर कि कैसी स्कूटी किस कंडीशन में है। एक साल हो गए हैं लेकिन तब भी चल रही है अच्छे से, 50 तक स्पीड चली गई थी जो कि मैं दिखाया था आप लोगों को, 60 किलोमीटर तक ये स्कूटी जा सकती है। जब ये लिए थे तो 52,000 की पड़ी थी, अब पता नहीं क्या प्राइस है, लेकिन उस टाइम 52 थी। इसकी की फीचर तो और बढ़िया है, मैं तो सोच रहा हूँ वो भी दिखा दूँगा आपको, की इसकी कार की के तरह है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो कॉपी। ये देख रहे हो कि इसमें सारे साइंस भी बने हुए हैं क्या क्या कैसे हैं, लॉक अनलॉक या हॉर्न, और इससे आप डायरेक्ट क्या नाम है स्कूटी ऑन कर सकते हो 100 मीटर्स के अंदर। अगर आप 100 मीटर के अंदर हो तो आप अगर इसको प्रेस करे रहोगे 2 मिनट तक तो ऑटोमेटिक आपकी स्कूटी चालू हो जाएगी। मैं अभी प्रेस किया हूँ, अनलॉक रहेगी तब, और अभी देखिए अभी स्कूटी चालू हो गई होगी, स्कूटी चालू हो गई ऑटोमेटिक, और ये देखिए चाबी भी नहीं लगी हुई इसमें। यहाँ देखिए आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ की स्कूटी आने लगी हैं, एथर, ओला और बहुत सारी कंपनियाँ नई नई लॉन्च कर रही हैं अपनी गाड़ी, लेकिन मुझे तो अभी तक की ये बेस्ट गाड़ी लगी है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन के पास आ गए, दुधी नगर देख सकते हो आप, चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ ये वाला ऑफिस बंद हो गया है, पहले यहाँ पर टिकट बुक होता था, लेकिन थोड़ा अब 100 मीटर्स की दूरी पर टिकट बुक होता है। ये देख सकते हैं दुधी का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ये सारे काम अभी प्रोग्रेस में है। ये देखिए थोड़ा नीचे चल के दिखाते हैं, नीचे चल के मैं दिखाता हूँ आपको दुधी रेलवे स्टेशन मेरे टाउन का। देखिए कितनी शांत स्टेशन है दुधी की, देख सकते हो डॉगी घूम रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और मैं सबको कहना चाहता हूँ थैंक यू ऑल ऑफ यू, 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं मेरे चैनल पर, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ये देखिए रेलवे अथॉरिटी, ये गार्डन था लेकिन अभी बंद है पता नहीं कैसे, तो यहाँ पर बहुत सारे फूल उल लगे रहते थे, वहाँ देखिए देख सकते हैं अंदर लोग बैठते थे कोई आता था तो। यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन के बगल में आपको छोटे छोटे चाय के दुकान मिल जाएंगे। प्लेन रोड पे घूम रहे हैं यहाँ पर, गली गली आज घूम रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, बाकी सुबह पे चला रहा है आज दूर तक के एकदम। घूमते घूमते त्रिभुवन पर आ गए, घूमने वाला जगह यहाँ पर, क्रिकेट विकेट होता है यहाँ पर, यहाँ पर लोग अपना गाड़ी सीखने आते हैं, कार ड्राइविंग सीखने आते हैं, बाइक चलाने आते हैं, बड़ा है ना फील्ड जैसे मैं दिखाया आपको। हम लोग इसी टेस्टिंग खराब रोड में करने आ गए हैं,
कैसी चलती है, इसकी सस्पेंशन कैसी है। और वो देखिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं एकदम टेस्टिंग करने, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं। ओ भाई मिशन पास। फिर आ गया लोकस पार्क घूमने, लेकिन यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जब मैं एक बार आपको पहले दिखाऊंगा जो वीडियो उस टाइम जब आए थे मैं दिखाया था आपको, पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब देखिए एकदम ख़त्म हो गया है पानी, सूखने की कगार पे है ये। और यहाँ पर काम भी लगाया शायद, बाकी वहाँ देखिए शिव जी, बाकी यहाँ सब चीज़ तो पुराना ही है। मैं तो ऑलरेडी वीडियो में देखा, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो लोकस पार्क। वैसे बहुत दिनों बाद ही आ रहे हैं यहाँ पर, जब वीडियो बनाने आए थे तब आए थे और आज आ रहे हैं, वो भी 5-6 महीने बाद आ रहे हैं यहाँ पर। पानी देखो फ्लो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा होगा आपको वीडियो में, पूरा देख सकते हो पानी सूख गया है। एक टाइम था जब पूरा पानी भरा रहता था, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एकदम पानी ख़त्म हो गया है। वो मंदिर है सामने। पानी का फ्लो भी कम हो गया, जब मैं एक बार वीडियो बनाया आया था तो पूरा पानी भरा था, हम लोग जा भी नहीं सकते थे उस पार, लेकिन ये देखिए जा रहे हैं। जब हम लोग जा नहीं पाते थे और आज उस पर चल रहे हैं भाई साहब, अब सामने पूरा बालू फैला हुआ है, यहाँ पर ख़त्म है। ये देखिए पूरा बालू रेत रेत हो गया। अभी तो हफ्ते में 2 हफ्ते में तो भी और पानी ख़त्म हो जाएगा इसका। करते हैं एंड, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैंने बहुत दिखा दिया है आपको लोकस पार्क। मेरा मोटिव नहीं था लोकस पार्क आने का, लेकिन बट अब स्कूटी से घूम रहे थे तो यहाँ तक आ गए, तो ब्लॉग बन ही गया। तो अगर अच्छा लगा होगा ब्लॉग तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, और हैप्पी विंटर टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, सी यू। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, नीचे लिंक दिया हुआ है। हे बॉय।